हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ खुशबू और आप देख रहे हैं खुशबू ब्लॉग। आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं कोकोनट ऑलिव हेयर मास्क, तो उसको स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर उसको सब्सक्राइब कर देना, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वैसे तो हम सब जानते हैं कि कोकोनट ऑयल कितना अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए, वैसे ही कोकोनट मिल्क भी बहुत ही अच्छा है हमारी हेयर की ड्राइनेस को दूर करने के लिए, डलनेस को दूर करने के लिए, हेयर के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा DIY। इसके लिए हमें चाहिए कोकोनट मिल्क। अगर फ्रेश कोकोनट मिल जाए तो उसमें से मिल्क निकाल कर उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मार्केट में फ्रेश रेडी कोकोनट मिल्क अवेलेबल है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वो भी ना लेना चाहो और उसको यूज़ ना करना चाहो तो कोकोनट मिल्क पाउडर भी इजीली अवेलेबल है और बहुत कन्वीनियंट रहता है उसको यूज़ करना। तो मैं आज उसी को यूज़ करके बनाने वाली हूँ हमारा कोकोनट मिल्क। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैगी का कोकोनट मिल्क पाउडर। इसकी जो भी कैसे प्रिपरेशन है वो साइड में लिखा हुआ है, तो आप उसको रीड करके भी बना सकते हो, और या तो फिर मैंने जो जिस तरीके से बनाया है उसी तरीके से आप बना सकते हो। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3 टेबलस्पून कोकोनट मिल्क पाउडर, और उसमें मुझे डालना है 3 टेबलस्पून के अराउंड हॉट वाटर, उसको ऐड करते जाना है। वैसे भी इसके बाद हम यूज़ करेंगे लेमन तो थोड़ा ठीक होगा, तो यहाँ पर हम थोड़ा उसको पतला रखेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन, और उसको हम फर्मेंट होने के लिए ओवरनाइट रख देंगे। अगर हमारे पास उतना टाइम ना हो तो हम उसको आधा घंटा साइड में रख देंगे। आप देख सकते हो कि हमने कितना पतला रखा था, लेकिन अभी थिक हो गया है, तो बस हमें ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए। और फिर हाफ एन आवर हो जाए उसके बाद हमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, उसको मिक्स कर देना है, और हमारा ये मास्क रेडी हो गया है। अभी हमें करना है हमारे सारे हेयर को डिटेंगल, और अच्छी तरीके से डिटेंगल हो जाए उसके बाद हमें एक कॉटन बॉल लेना है और उसकी हेल्प से हमें रूट से लेकर एंड तक अप्लाई करना है। हम इसको हाथ से भी लगा सकते हैं, देन उसको हल्के हाथों से थोड़ा सा मसाज देना है। कोकोनट मिल्क डल, डैमेज और फ्रिजी हेयर को ग्लोसी बनाने में हेल्प करता है। कोकोनट मिल्क हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, हेयर लॉस के अगेंस्ट फाइट करता है। कोकोनट मिल्क नेचुरल डिटेंगल की तरह वर्क करता है और नेचुरल मॉइस्चर देता है, साथ में रेगुलर यूज़ करने पर हेयर को स्ट्रेट भी बनाता है। मसाज होने के बाद हेयर को बिना क्लचर या रबर बैंड के रैप करना है, और शावर केप या प्लास्टिक बैग पहन लेना है। उसके ऊपर हमें एक कॉटन का स्कार्फ या फिर कपड़ा लेकर लपेट लेना है, ताकि उसमें से जो भी हीट मिलेगी उसकी हेल्प से हेयर को डिप कंडीशन मिलेगा। फिर उसको हमें 1 आवर या 2 आवर, जितना भी हमारे पास टाइम है उतने टाइम के लिए छोड़ देना है, और सिर्फ माइल्ड शैम्पू यूज़ कर वॉश करना है। कंडीशनर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि हमारे हेयर को नेचुरली कंडीशनर मिल चुका होगा। तो यस, ये था मेरा आज का वीडियो, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।